गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा था आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में। तो आर्कोलॉजिस्ट को उस टाइम पे क्या मिला था, उनको मतलब पोएट्री मिला था, मिट्टी के बर्तन मिले थे उनको। तो उसकी वजह से उनको मतलब उनके जो ऋग वैदिक के लाइफ के बारे में पता चला था, जैसे कि उनके सोसाइटी के बारे में पता चला था, रिलीजियस के बारे में पता चला था, और जो ऋग वैदिक पीरियड में वो लोग उनको क्या मतलब क्या मिला था, आयरन्स मिले थे, जो वो लोग आयरन्स के अलग अलग एग्रीकल्चर टूल्स बनाते थे। और उनको जैसे कि गंगा गंगा के बारे में पता चला था, गंगा रिवर के बारे में, यमुना रिवर के बारे में पता चला था, और उनको एक बेसिक आइडिया मिला था जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द ऋग वैदिक पीपल्स के बारे में। तो उस टाइम पे उनको सप्ता सिंधु के बारे में पता चला था कि वो मेंशन किया गया था ऋग वैदिक में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता चला था किससे, पोएट्री के वजह से, मिट्टी के बर्तन के वजह से उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला था। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। ड्यूरिंग दी वैदिक पीरियड ऋग वैदिक पीरियड दोज ग्रुप्स वेर ऑर्गेनाइज इंटू आर ट्राइब्स। तो ऋग वैदिक पीरियड में उनका जो ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है ट्राइब्स में। फैमिली वॉज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। फैमिली जो है उस टाइम पे सबसे बेसिक यूनिट था सोसाइटी के। वेर दी एल्डर्स मेल मेम्बर वॉज दी हेड ऑफ द फैमिली। उसमें जो एल्डर मेल मेम्बर होते हैं वो हेड होते हैं फैमिली के। ए ग्रुप ऑफ द फैमिली मेट आ ग्रामा और द विलेज। जो ग्रुप ऑफ द फैमिली ग्रुप मतलब अलग अलग तरह के फैमिली जो है उनका मतलब ग्रुप, वो लोग कंबाइन होके क्या बनते हैं, ग्रामा या विलेज बनते हैं। द विलेज वॉज हेडेड बाई द ग्रामानी या विलेज हेडमैन। जो विलेज का हेड जो है वो विलेज हेडमैन होते हैं, या उसे ग्रामानी कहते हैं। ए नंबर ऑफ द विलेज कंबाइंड टू फॉर्म अ क्लेन। बहुत सारे विलेज कंबाइन होके क्लेन बनते हैं। और अ ग्रुप ऑफ द क्लेन फॉर्म अ ट्राइब्स या जाना। तो बहुत सारे क्लेन जो है वो कंबाइन होके ट्राइब्स बनते हैं, या उसे जाना भी कहते हैं। दी जाना वॉज रूल्ड बाई दी राजन और किंग। जो ट्राइब्स में या जाना उसको मतलब उन पे कौन रूल करते हैं, किंग या राजन। द किंग वॉज दी हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बाई दी पुरोहिता, या उसे प्रिस्ट कहते हैं, या सेनानी कमांडर इन चीफ। जो किंग जो है वो रूल करते हैं कहाँ पे, ट्राइब्स पे, मतलब वो लोग किंग जो है वो रूल करते हैं ट्राइब्स पे। तो उनका हेड जो है वो किंग होते हैं। और किंग जो है वो किसकी मदद से एडमिनिस्ट्रेटिव चलाते हैं, प्रिस्ट के वजह से, मदद से, जैसे कि पुजारी के मदद से, कमांडर इन चीफ के, उनके वजह से ये क्या अपना एडमिनिस्ट्रेटिव चलाते हैं। टू गवर्निंग बॉडीज, दो टाइप के गवर्निंग बॉडीज होते हैं, दी सभा एंड समिति, एडवाइज बाय द किंग। दी सभा कंसिस्ट ऑफ दी सम सिलेक्टेड मेंबर। जो सभा में जो कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। वाइल दी समिति इंक्लूड ऑल दी मेंबर अंडर द किंग जुडिशरी। जो बाकी समिति में जो बाकी जो किंग की जुडिशरी में, किंग की जजमेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो समिति में होते हैं। और इट वॉज अ किंग ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ द ट्राइब्स। द किंग ऑल्सो रिसीव बाली विच इज़ अ ट्रिब्यूट फ्रॉम हिज सब्जेक्ट। और किंग का जो ड्यूटी होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं लैंड ऑफ द ट्राइब्स को। जो ट्राइब्स के लैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं कौन, किंग। सोसाइटी, फैमिली वॉज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड में फैमिली जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं सोसाइटी के। सोसाइटी वॉज पेरिशिकल पेरिशियल एंड द एल्डर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। जो सोसाइटी में, सोसाइटी जो है वो कौन चलाते हैं, पेरिशियल मतलब जो सिस्टम जो है वो कंट्रोल में होते हैं किसके, मेल के कंट्रोल में, जो सोसाइटी के कंट्रोल होते हैं उससे हम पेरिशिकल्स कहते हैं।
एंड जो एल्डर मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली में, वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। द ऋग वैदिक सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू अ फोर ग्रुप्स। जो ऋग वैदिक सोसाइटी जो है उनको डिवाइड किया गया है चार ग्रुप्स में, ब्राह्मण्स और द प्रिस्टल क्लासेस। फर्स्ट ब्राह्मण्स होते हैं, सेकंड क्षत्रियस या वॉरियर क्लास, उसमें जैसे कि सिपाही होते हैं। उसके बाद सबसे पहले ब्राह्मण्स जो पुजारी उनके क्लास होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं सिपाही, उनसे मतलब लोअर क्लास में सिपाही होते हैं, और वेश्यास या मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते हैं उसके बाद, एंड शूद्रास और द लोअर क्लासेस, सबसे लास्ट में शूद्रास होते हैं। दिस डिवीजन वाज वेर बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन एंड एंड वेर नॉट रिजिड। और ये डिवीजन जो है उनके ऑक्यूपेशन पे डिवाइड किया गया है और ये कभी चेंज नहीं होता है। पोजिशन ऑफ वुमेन। वुमेन वेर वेल रेस्पेक्ट इन ऋग वैदिक पीरियड। वुमेन का मतलब उनका अच्छे से मतलब उनका रिस्पेक्ट करते थे ऋग वैदिक पीरियड में। ऋग वैदिक वुमेन्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द पब्लिक मीटिंग। और ऋग वैदिक में वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पब्लिक मीटिंग में। दे डू नॉट हैड द राइट टू एजुकेशन बट आल्सो हैड अ राइट टू चूज देयर हस्बैंड। और उनको क्या था कि ऋग वैदिक पीरियड में उनको मतलब हक नहीं था एजुकेशन लेने के लिए, मतलब ये लोग उनका मतलब दे डू नॉट हैड अ राइट टू एजुकेशन, उनको मतलब राइट टू एजुकेशन नहीं था उस टाइम, बट आल्सो हैड अ राइट टू चूज देयर हस्बैंड। और ये अपना हस्बैंड जो है वो चूज कर सकते थे उस टाइम पे, उनको राइट था। जो विडो री मैरिज होते हैं वेयर आर कॉमन एंड चिल्ड्रन मैरिज डिड नॉट ऑकर। और उनको जैसे कि जो विधवा होते हैं उस टाइम पे वो लोग मतलब री मैरिज कर सकते थे, उस टाइम पे ये कॉमन था, और चाइल्ड मैरिज जो है वो उस टाइम पे नहीं था। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।